हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप अप अपाइज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज क्लासेस तो आज टेंथ जुलाई है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा द हिंदू एन पीआईबी से जुड़े हुए उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक कन्फ्यूजन क्लियर करना है यहाँ पर कि ये वीडियो हमारा हिंदी में ही कंटिन्यू होगा इसके अलावा दूसरी वीडियो इंग्लिश में आ रही है करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी में बहुत कम्फर्टेबल नहीं हैं जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं इसके अलावा जो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से तैयारी करते हैं तो वो हिंदी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते उनके लिए उनको मद्देनजर रखते हुए एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको स्टार्ट किया गया है तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है कि हिंदी में डिस्कशन नहीं आएगा हिंदी में भी डिस्कशन आएगा तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं फर्स्ट टॉपिक होगा वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस को लेकर के देखेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है और फॉर्मलिन क्या है कितना हार्मफुल इफेक्ट है फॉर्मलिन का कुछ प्रोग्राम्स होंगे जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप स्मार्ट सिटीज़ इंटर्नशिप क्या है कौन कंडक्ट कर रहा है इसके अलावा सिटीज चैलेंज क्या है और सुनील मेहता कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है और ये किस चीज़ से संबंधित है हम इसकी बात करेंगे की तरफ चलते हैं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस वैनकुवर कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये सेवनटीन्थ कॉन्फ्रेंस होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है वैनकुवर में वहीं पर इसको होस्ट किया जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये माना जाता है संस्कृत के डेवलपमेंट के लिए तो ये काइंड ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं रिसर्चर्स होते हैं या जिनको की इंटरेस्ट है संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने में और उसको आगे बढ़ाने में वो इसमें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं इसको हर तीन साल में कंडक्ट किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज के द्वारा तो देखते हैं कि आईएएसएस क्या होता है कौन की तरफ चलते हैं तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएटलिस्ट इसको ट्वेंटी नाइन्थ जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नाइनटीन सेवेंटी थ्री में हुआ था पेरिस में लेकिन अगर हम इसके हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो ये इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट एटीन हंड्रेड समथिंग से ही स्टार्ट हो चुका था ठीक है लेकिन इसको रिकॉग्निशन नाइनटीन सेवनटी टू में न्यू डेली में दिया गया न्यू डेली में फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था नाइनटीन सेवनटी टू में ठीक है ये रेट्रोस्पेक्टिव था तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है एंड द मेन टास्क ऑफ आई ए एस एस वॉज अग्रीड टू बी द ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस एट डिफरेंट वेन्यूज़ क्या काम है आई ए एस एस का कि वो जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस उसको अलग अलग वेन्यूज पे कंडक्ट करता है ऑर्गेनाइज करता है तो ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बैकग्राउंड पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है लेकिन इसके कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल कहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कि किया गया है तो ये कैनेडा में हुआ है आपको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज है फॉर्मेलिन को लेकर के आपने न्यूज पढ़ा होगा फिश सैंपल्स इन चेन्नई टेस्ट पॉजिटिव फॉर फार्मेलीन फिश में काफी ज्यादा फार्मेलिन की मात्रा पाई गई है चेन्नई में तमिलनाडु में तो प्लीज बी अवेयर कि अगर फार्मेलिन में टॉक्सिक ऐसी चीजें पाई जा रही हैं फार्मेलिन पाई जा रही है जो कि काफी टॉक्सिक होती है कलरलेस सॉल्यूशन की तरह होती है एंड बाय डिजॉल्विंग द फॉर्मिल दिहाइट गैस इन द वॉटर ये इसकी प्रॉपर्टी है याद रखिएगा टॉक्सिक एंड कलरलेस सॉल्यूशन होता है फॉर्मली बट ये बहुत हार्मफुल होता है वाई बिकॉज ये कैंसर को इंड्यूस करता है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हालांकि इरिटेशन होता है आई में प्रॉब्लम होती है स्टमक में प्रॉब्लम होती है बट आगे चल करके ये किडनी लिवर को अफेक्ट कर देता है और कैंसर का कॉज बनता है तो ये फार्मेलिन फिश तक पहुंचा कैसे देखिए इसको यूज़ किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में और ख़ास करके पेस्टिसाइड्स जो बनाए जा रहे हैं वहां पर फॉर्मेलिन का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स में उपयोग हो रहा है ग्लू पेपर एंड पेंट्स में भी फॉर्मेलिन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आपने देखा होगा जब भी पेंटिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है आपको आंखों में इरिटेशन होती है और यू विल नॉट फील कंफर्टेबल एट दैट टाइम तो उसमें फॉर्मोलिन ही होता है और ये जो प्रोडक्ट है जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इस वजह से इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो याद रखिएगा फॉर्मोलिन क्या है इसकी क्या प्रॉपर्टी है और ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है बिकॉज फिश में बहुत ज़्यादा ये पाया गया है तो आप इसको मेन्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो पॉल्यूशन को लेकर के या किस तरीके से हमारे यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि रिसेंटली तमिलनाडु में भी ऐसे सैंपल्स पाए गए और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इसका उपयोग कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है और जब वो चीज़ें वहाँ से पानी में जा कर के मिलती है और उसको फिर मछलियाँ खाती हैं तो उससे मछलियों में भी इसका एक्मिलेशन होता जा रहा है फॉर्मोलिन क्या है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम आई क्या होता है देखिए आपने देखा है अभी स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है इंडिया में हर तरफ इसी की बात चल रही है स्मार्ट सिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए स्मार्ट सिटीज़ बननी चाहिए तो उसी में ये प्रोग्राम है एक फेलोशिप प्रोग्राम है नाम से ये काफ़ी क्लियर हो रहा है जो यूथ है या जो यंग जनरेशन है जो भी इंटरेस्टेड है स्मार्ट सिटीज़ को और आगे बढ़ाने में वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से नई जनरेशंस जो हैं जब वो इसमें आएंगी और अर्बन प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन लेकर के आएंगी अपने जो भी नए आइडियाज़ हैं उसको यूज़ करेंगी तो उससे क्या होगा जो स्मार्ट सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रेंदन होगा साथ ही साथ जो यंग लीडर्स हैं उनके माध्यम से अर्बन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म आ पाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है और उसमें टोटल थर्टी यंग ग्रेजुएट्स को लिया जाएगा इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट्स और पी एच डीज भी इस फील्ड में अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते इसका जो टाइम पीरियड होगा वो वन ईयर टू थ्री ईयर्स तक का होगा तो ये क्लियर रखेगा यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंस आ सकता है इंडियन स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम देखिये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिलिम्स में एज अ रीज पूछा जाए क्योंकि आपको पता है प्रलिम्स के क्वेश्चन बहुत ही अब वाइटल आ रहे हैं तो यहाँ पर जब हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो हम इसको अपने आंसर में लिख सकेंगे कि अगर स्मार्ट सिटीज़ पर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर में लिखोगे आपके पास कुछ फैक्ट और डाटा होना चाहिए सो दिस इज़ द फैक्ट बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि फैक्ट्स को कैसे डिसाइड करें फैक्ट्स को कैसे लिखें तो आप अपने कॉपी में बस दो से तीन लाइन में ये बात लिख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है दिस इज़ कॉल्ड इंडिया स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम जिसके माध्यम से यंग जनरेशंस को यंग लीडर्स को स्मार्ट सिटीज़ के प्रोग्राम में जोड़ा जा रहा है तो इतना ही काफ़ी होगा और आपके आंसर को वेट मिलेगा तो अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है बस यहाँ पे इंटर्नशिप है सारी चीज़ें सेम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही इसको लॉन्च किया है और इसमें भी अंडर ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स सभी को उनको चांस मिल रहा है कि वो इंटर्नशिप कर सकते हैं बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनपेड है मतलब इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा इस इंटर्नशिप में जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा जब लोग बीटेक करते हैं या कोई और मैनेजमेंट करते हैं तो फिर उनको इंटर्नशिप करना पड़ता है इसका मतलब होता है कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कहीं पर जाके काम सीखना पड़ता है तो इंटर्नशिप कैसा होगा ये जो स्मार्ट सिटीज़ है उससे जुड़ा हुआ होगा कैसे डेवलपमेंट करना है क्या चीज़ें अर्बन प्लानिंग में कहाँ पर कमी है उन सारी चीज़ों को सीखना होगा लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है इसके अंदर और ये सिक्स से ट्वेल्व वीक्स तक का होगा अभी हमने लास्ट वाले न्यूज़ में देखा कि वो वन से थ्री ईयर्स तक का था बट ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये सिक्स से ट्वेल्व वीक्स तक का होगा बट इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे तो ये न्यूज़ क्यों हमारे काम का है बिकॉज अगर सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे एक्सपीरियंसेस मिलेगा लोगों को तो जो यंग जनरेशन है वो मोटिवेट होगी और आगे काम करेगी यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला अभी फैक्टर है इंडिया में बहुत ज़्यादा उसको भी कर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ज़रूरी नहीं है कि सारे स्किल्ड लोगों को काम मिल गया है स्किल्ड लोगों को भी काम नहीं मिला है तो ऑन स्किल्ड को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है तो ऐसे लोगों को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह दे के उनको मोटिवेट कर सकते हैं और फिर किसी ना किसी एंगल से उनको स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम में बाद में जोड़ सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मुहिम है काफी अच्छा है याद रखना है नेक्स्ट यूज है सिटीज चैलेंजेस सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन चैलेंजेस क्या है ये देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो आया था वो 2015 में लॉन्च किया गया था ट्वेंटी फाइव जून टू थाउजेंड फिफ्टीन तो वहां पर एक चैलेंज था कि टोटल हंड्रेड सिटीज को डेवलप करना था तो अब इसमें नया क्या इंक्लूड हुआ है देखिए इंडिया और फ्रेंच के पार्टनरशिप प्रोग्राम से टोटल फिफ्टीन प्रोजेक्ट्स को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा ठीक है और बाकायदा जो नीति आयोग की गाइडलाइंस थी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पंद्रह ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑल इंडिया चैलेंज के अंदर ठीक है और याद रखना है कि इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप प्रोग्राम के माध्यम से यह हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स को टोटल चार सेक्टर्स में शामिल किया जाएगा जैसे कि सस्टेनेबल मोबिलिटी पब्लिक ओपन स्पेस एंड अर्बन गवर्नेंस एंड आईसीटी सी टी सोशल एंड चार सेक्टर्स हैं जहां पे इन पंद्रह प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा इसका ड्यूरेशन होगा थ्री ईयर तक का यानी कि एटीन नाइनटीन से यह स्टार्ट हो रहा है और ट्वेंटी तक ये कंटिन्यू होने जा रहा है इसके अलावा इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो पेमेंट है वो कहाँ से आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50 परसेंट उसमें पे करेगी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 50 परसेंट बेयर किया जाएगा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स वुड कंडक्ट द चैलेंज प्रोसेस तो ये जो चैलेंज प्रोसेस है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के माध्यम से प्रपोज किया जाएगा कंडक्ट किया जाएगा और जैसा मैंने पहले बताया इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप के माध्यम से इन प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है नेक्स्ट न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनील मेहता कमेटी आप अभी याद रख लीजिए कि ये कौन सी चीज से जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है तो बैड लोन रेजोल्यूशन से संबंधित है याद रखना है सुनील मेहता कमेटी सबमिटेड अ पॉइंट प्लान ऑन बैड लोन रेजोल्यूशन तो सुनील मेहता कमेटी किससे संबंधित है बैड लोन के रेजोल्यूशन संबंधित है एनपीए की जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए सुनील मेहता कमेटी फाइन एंड कम इसमें फाइव पॉइंट्स प्लान इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो बैड लोन्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तो जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं वो कैसे वापस आएंगे एंड सुनील मेहता कमेटी ने प्रोजेक्ट सख्त को प्रपोज किया है सो so दैट जो रिकवरी है बैंक से वो की जा सके एंड फाइव प्रोलोंग रिजोल्यूशन रूट्स इन्होंने बताए हैं कौन कौन से अप्रोचेस की इन्होंने बात की है उस पर देखते हैं एस एम ई अप्रोच बैंक लेड रिजोल्यूशन अप्रोच ए एम सी और ए आई एफ लेड रिजोल्यूशन अप्रोच और एनसीएलटी या फिर आई बी सी अप्रोच एंड एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं ये सब क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की लार्ज एसेट की कि अगर एसेट बहुत ज्यादा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए लार्ज एसेट के लिए एक इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाने की बात कर रहे हैं ये अब देखिए एएमसी की हमने अभी पहले भी बात की कि ए एम सी रिजोल्यूशन अप्रोच अपनाया जाना चाहिए तो ए एम सी किस में आएगा जब लार्ज एसेट होगा बहुत ज़्यादा एसेट है तो वहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाया जाना चाहिए ताकि जो हैवी अमाउंट है उसको रिजोल्व किया जा सके द रिजोल्यूशन रूट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लार्ज एसेट ऑलरेडी बिफोर द एनसी एल टी तो एन सी एल टी से होकर के आना चाहिए उसको माना जाएगा कि वो लार्ज एसेट है एंड मिड साइज एसेट में क्या होगा जब एसेट थोड़ा कम है लार्ज नहीं है तो फिर बैंक लेड रिजोल्यूशन अप्रोच अपनाया जाना चाहिए हमने पहले देखा कि बैंक लेड रिजोल्यूशन अप्रोच की बात इन्होंने की है सेकेंड पॉइंट में यह कब आएगा जब मिड साइज असेट होगा मतलब लार्ज असेट नहीं होगा तो वहां पर जो रिजोल्यूशन है वो थर्टी डेज के अंदर हो जाना चाहिए एंड द इंडिपेंडेंट स्टियरिंग कमिटी अपॉइंटेड बाई द आई बी इज इंडियन बैंक एसोसिएशन टू वैलिडेट देखिए तो तीस दिन के अंदर जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनके माध्यम से एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट कमेटी होगी और वो पूरी देख रेख करेगी जांच करेगी कि ये एसेट्स कैसे वापस आ सकते हैं या कितना एसेट सेमीज के रेजोल्यूशन के लिए इन्होंने कहा कि कमेटी सजेस्टेड सेटिंग अप अ स्टेयरिंग कमेटी बाय द बैंक फॉर एस एम तो इसमें भी कमेटी बनाने की इन्होंने बात की और जो रेजोल्यूशन है वो 90 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए इसके अलावा ये जो जिम्मेदारी है वो एक सिंगल बैंक के पास होनी चाहिए यानी पूरा कंट्रोल एक अकेले बैंक के पास होना चाहिए ना कि तीन से चार बैंक मिलकर के इसको काम करें एआईएफ में इन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वुड रेज फंड्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो एआईएफ कहां से रेज करेंगे फंड्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रेस करेंगे तो बैंक चाहे तो यहाँ पर फंड को इन्वेस्ट कर सकता है ये हमने सारी बात की सुनील मेहता कमेटी की याद रखेगा सुनील मेहता कमेटी किस चीज से संबंधित है एनपीए से संबंधित है यानी बैड लोन के रेजोल्यूशन से संबंधित है और अब एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए एक न्यू बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम में ट्वेल्थ ऑफ जुलाई से सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी और आर पी सिंह सर के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है तो आप अगर इसमें टाइम जानना चाहते हैं फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आप इन गिवन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं एज़ यू नो कि हमारा इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में इस्टेब्लिश है और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रोज़ बताया जाता है कि यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस की सुविधा मौजूद है ऑनलाइन एज़ वेल एज़ ऑफलाइन यानी कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो उसके साथ साथ उसको पर्सनल गाइडेंस में भी रखा जाता है इसके अलावा ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस की भी सुविधा है जो लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे टाइम मैनेजमेंट कराने की कोशिश की जाती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और जो कोच होते हैं वो अपने सुपरविजन में आपको गाइड करते हैं तो याद रखिए सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं होता है इस पर्सनल गाइडेंस में इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जैसे ये गिवन जो डायरीज हैं यहाँ पर उस डायरीज में आपको काम करना होता है इसको कोर्स डायरी कहते हैं और इसको टाइम मैनेजमेंट डायरी कहते हैं इसमें आप देखते हैं कि टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को आपको कंटिन्यू करना होता है और आप इसको टिक कर सकते हैं इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट डायरी होती है उसमें आपको सेल्फ स्टडीज को कोट करना होता है कि आपने क्या पढ़ा और बाकायदा कोच के द्वारा फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है ट्रेन किया जाता है चलिए अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कल और आंसर है ओनली बी यानी ओनली टू आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये एक नॉन स्टेटरी बॉडी है सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसके जो हेड होते हैं लॉ कमीशन के जो हेड बनते हैं वो रिटायर्ड या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं ठीक है और आज का क्वेश्चन है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फे रिजर्व सेकेंड स्टेटमेंट कि इसको अभी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा रहा है और तीसरा स्टेटमेंट है इको सेंसिटिव जोन का मतलब यह होता है कि वहां पर फुल रिस्ट्रिक्शन होता है किसी भी तरीके की इंडस्ट्रीज चाहे वो पॉलिटिंग हो या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो वहां पर काम नहीं कर सकती तो आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है करेक्ट चूज करना है याद रखेगा ठीक है सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विद मी हम वॉचिंग डिस्कशन प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक like जरूर करें शेयर करना ना भूलें क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा Thank you for watching this discussion thanks a lot keep studying